क्वेश्चन का हेडलाइन है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। और ये जो कॉन्सेप्ट हेडलाइन है, दिस इज कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट। क्वेश्चन के नीचे ये दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट्स, इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन हुईच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 32,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000 एंड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम ना दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है टैंजिबल एसेट के नीचे, और मशीनरी अकाउंट। और इसके लिए जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, सोलर पावर लिमिटेड वर्किंग नोट्स जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ मशीनरी, उसमें आपके पोस्टिंग इजी हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर। कैश अकाउंट डेबिटेड क्योंकि मशीन 12,000 में बिका है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 32,000 क्योंकि उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 था, तो ये दोनों का टोटलिंग हो गया 44,000। मशीन का वैल्यू था 48,000 का, जो डिफरेंस है दैट इज डेबिट में लॉस। स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड 4,000 टू मशीनरी अकाउंट 48,000, यानी 48,000 का मशीन जिसके ऊपर 32,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, इट वॉज सोल्ड फॉर 12,000 तो लॉस हो गया 4,000। अभी इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4,000 लॉस में बिक गया, और डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटलिंग कर देंगे दैट इज 48,000 ईच। अभी इसको हम पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। The above journal entry can be posted to machinery account and accumulated depreciation account as given below. देखो, accumulated depreciation में two machinery. Accumulated depreciation एक liability होता है, और liability का first year का value है 3,00,000. तो credit side में लिखो buy balance brought down 3,00,000, और debit side में लिखो to balance carried down 4,00,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,00,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 4,00,000। और इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,00,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 4,00,000, देन जो डेप्रिसिएशन का होता है इसमें, नेक्स्ट वन इज टू मशीन अकाउंट 32,000 डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड आउट मशीन, जो मशीन बिक गया उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, हमने अभी भी देखा था मशीन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 32,000, तो accumulated depreciation में 2 machinery, machinery account में by accumulated depreciation account 32,000 आ जाएगा। तो अभी debit side total करो 4,32,000 आया, उसको credit side में उतारो, उससे 3,00,000 minus करो opening balance, जो आएगा वो इस साल का depreciation है, that is by statement of profit and loss depreciation charged during the current year, this is the balancing figure। ये जो आएगा 1,32,000, ये इसी साल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर और फॉर दिस ईयर करंट ईयर। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ये जो 32,000 इस तरफ है डेबिट साइड में रेड कलर मशीनरी अकाउंट, जो मशीन बिक रहा है उसके ऊपर है डेप्रिसिएशन। मैं हमेशा बोलता था ये अकाउंट बनाना नहीं, बट अभी बड़े वाले क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे आपको। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 25,40,000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ गया। क्रेडिट साइड में आएगा तीनों, जो जर्नल एंट्री का डेबिट में कैश अकाउंट डेबिटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ये तीनों आएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड लॉस 4,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 32,000 टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के क्रेडिट में ये तीनों आ गया। अभी डेबिट साइड क्रेडिट साइड बड़ा है, उसको टोटल करके लिखो 25,88,000, उसको डेबिट साइड में ये टोटलिंग को ट्रांसफर करो डेबिट साइड टोटलिंग में, उसमें 20,00,000 माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 5,88,000,
जो मशीन हमने खरीदा, तो राइट डाउन टू कैश अकाउंट हाइफेन मशीनरी परचेज्ड, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 5,88,000. दिस इज द आउटफ्लो ऑफ कैश ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और सोल्ड जो आएगा 12,000 वो इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. देन नेक्स्ट वन इज योर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, तीन कॉलम बनाओ. डिटेल्स और अमाउंट में रुपीज का साइन लिखो. हमारा सरप्लस दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में 6,04,000, तो लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज नेट प्रॉफिट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लोजिंग मतलब करेंट ईयर का जो बैलेंस है, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस है. करेंट ईयर का 6,00,000 और ओपनिंग लास्ट ईयर का है, लेस ओपनिंग बैलेंस, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 4,00,000. तो इस साल हमने कमाया 2,00,000. दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसके साथ आप ऐड करो ऐड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है दैट इज टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड. कुछ बताया नहीं तो आप इसको टैक्स मान के चलेंगे. जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 2014, ये 2014 मत लिख के इसको लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर. यू कैन से शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर. करेंट ईयर यहाँ पे 1,08,000 होगा इसी साल का, और लास्ट ईयर का जो रुपीज 1,54,000 वो डिडक्ट होगा. कहाँ से वो डिडक्ट होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन दो चीजें होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड. कुछ बताया नहीं तो इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन को यहाँ पे आपने किया करेंट ईयर का. फाइन और कुछ ऐड आइटम है नहीं. फाइनल कॉलम में लिखो 1,00,000 और आपके आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 3,00,000 रुपए. अभी प्रॉपर कैश फ्लो में उतर जाओ. कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ सोलार पावर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March. यू हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट विथ रूपी सिंबल्स. स्टार्टिंग पॉइंट में लिखो ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसके नीचे आप वही वाला जो लाइन अभी निकाला था, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन, या बिफोर टैक्स और बिफोर अप्रोप्रिएशन 3,00,000 लिखो. ऐड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस. इसमें नॉन ऑपरेटिंग में आप देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हमने मशीनरी अकाउंट से निकाला है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वन इज गुडविल रिटेन 1,44,000. इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे 2,24,000 से 80,000 हो गया. दिस इज गुडविल रिटेन ऑफ इंटेंजिबल एसेट. नीचे डिटेल्स में दे रखा है गुडविल, तो 1,44,000 डिक्रीज हो गया. और करेंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,32,000 हमने निकाला है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट का क्रेडिट साइड में. डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,32,000. इसको ऐड करके आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5,80,000. बट डिडक्शन कुछ नहीं है, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, प्रॉफिट या इनकम. तो लिखो ऐड लेस ऐड इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. इस क्वेश्चन में है नहीं, सारे करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और सारे करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब सारे लेस हो जाएंगे. वन बाय वन इन्वेंटरीज आप देखो. इन्वेंटरीज 242 - 258, 16,000 इंक्रीज हो गया. इंक्रीज इन करंट एसेट हमारा आउटफ्लो, ऑपरेटिंग आउटफ्लो. देन ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, ये 2,86,000 से
3,40,000 हो गया, तो डिक्रीज हो गया, इनक्रीज करेंसी हो गया 54,000, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर दिस परचेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, बढ़ गया ये। और द लास्ट वन इज योर्स ट्रेड पेबल, जो कि करेंट लाइबिलिटी में दे रखा है ट्रेड पेबल, 4,08,000 से ये डिक्रीज होके 3,58,000 हो गया, 50,000 डिक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा था, हमने पेमेंट कर दिया उनको, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, तो हमारा ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा कैश का। तो ये तीनों चीजें माइनस करो, 5,80,000 माइनस 1,20,000, तो हमारे आंसर आएगा 4,60,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या इससे इनकम टैक्स पेड माइनस करो, लेस इनकम टैक्स पेड लास्ट ईयर टैक्स, लेस इनकम टैक्स पेड पिछले साल का टैक्स टैक्स होगा 1,54,000, लास्ट ईयर का जो दे रखा है, करंट ईयर का तो 1,08,000 हो गया, और इसका लास्ट ईयर का 1,54,000 माइनस करेंगे, वी विल बी गेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,06,000, जो कि हमारा बुक के आंसर के साथ मैच कर रहा है। इसके साथ हम बी पार्ट निकालेंगे, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम जो पैसे कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीनरी में, हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया था, तो मशीनरी परचेज्ड 5,88,000 हमारा निकला था डेबिट साइड में, पैसा गया तो टू परचेज मशीनरी, और मशीन बेचा दैट इज 12,000, ये भी एडजस्टमेंट में है, मशीनरी सोल्ड फॉर 12,000, तो 5,88,000 गया और 12,000 आया, तो नेट हो गया, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 5,76,000। देन सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 2,00,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 22,00,000 से 24,00,000 हो गया, 2,00,000 इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 2,00,000 आया। नेक्स्ट होता है इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपके 3,40,000 था, अभी 4,80,000 हो गया, तो हमने 1,40,000 मार्केट से उठाया, बोरो किया, तो दोनों को ऐड करके हमारा टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है 3,40,000, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3,40,000। तो अभी हम ये तीनों को ऐड करेंगे और लिखेंगे डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ए पार्ट में प्लस में आया फिगर 3,06,000 रुपए ऑपरेशन से मिला, और इन्वेस्टिंग में गया हमारा 5,76,000, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें मिला प्लस 3,40,000, ये तीनों को ऐड करके आया प्लस 70,000 इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 आया। इसके साथ हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि करेंट असेट का ए वाला आइटम है नीचे वाला, 7,50,000 प्लस 3,00,000, 10,50,000 दोनों को आकर के, और हम अभी क्लोजिंग निकालेंगे 6,40,000 प्लस 4,80,000, ये दोनों को मिला के बन रहा है 11,20,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ये जो आया 11,20,000 दैट इज 6,40,000 प्लस 4,80,000 दैट इज 11,20,000, क्योंकि हमारा आंसर फाइनली करेक्ट है।